जी तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर मेल्टी। नहीं तो करते हैं अपनी वीडियो शुरू। और आज हम लोग करने वाले एक अनबॉक्सिंग किस चीज़ की हो सकती है। जी हाँ, आज हम करने वाले अनबॉक्सिंग बहुत ही खैर एक चीज़ की, और वो आप लोग देख सकते हैं। एक बहुत ही कीबोर्ड, क्या बात है यार इसकी, फुल लाइटनिंग एंड HD कीबोर्ड। और ज्यादा स्टोरी टाइम वीडियो देखनी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग। जो बोला गया वो हो गया। ओके तो करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत कीबोर्ड हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। आई Are you sure about that? तो चलिए जैसा भी है अनबॉक्सिंग तो इसकी करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो अच्छी तरह मान लीजिए क्योंकि इसमें आपको जो भी कूड़ा क्रिकेट नजर आए उससे आप काट दीजिएगा इग्नोर, और करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। ओके तो यहाँ भरेंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा एक गट्टू मिल जाएगा, आई मीन एनीथिंग ऑफ बॉडी। और यहाँ से आप लोग खोलेंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन, बस हाथों पे आपके बहुत मिट्टी लग जाएगी, बाकी उसकी खैर है। और यहाँ पे आप लोगों को एक टैग नजर आएगा जो कि कंपनी का है, जो कि ये ऑटो वाली जगह है, ऑटो वाली फैक्ट्री, वहाँ से आप लोगों को ये वाला तोड़ा मिल सकता है। अगर आप जान जाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो जाइए बिना। ओके इसे कर लेते हैं पुट्ठा। और अगर हम इसके अंदर देखें तो बहुत ही डरावना सीन आएगा, लेकिन हम इसको फुल अच्छी तरह अनबॉक्स कर लेंगे। इसे अगर हम ऐसे करके फुल खोलें, आई डोंट नो कि आप लोग ठीक तरह से देख सक पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन आई थिंक कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और फिर इसको ऐसे करने के बाद अगर आप लोगों ने इसके अंदर डाल लें अपना हाथ और इसको बुला लीजिए इधर, तो ये आपके सामने आ जाएगा रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट यूजलेस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेड कीबोर्ड। ओके तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अभी नीट क्लीन है, धूल का तो निशान आप लोगों को दूर दूर तक नहीं दिखेगा। बाकी फिर आप हम इसको तारे इसको लपेट लेते हैं, रैपिंग इसकी बहुत अच्छी है, और रैपिंग इसको उतार लेते हैं जो कि नहीं हुई हुई। और बाकी इसकी तार अगर हम इसे घुमाएं घुमाएं और दोबारा घुमाएं और दो बार और घुमाएं तो फिर इसकी तार यहां से उतर। थोड़ा मूड खराब कर दिया। फिर सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसको इम्पोर्टेड जो है ये बॉडी हमारी, इसको फेंक देते हैं अपनी साइड पे। और उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा ये सबसे इम्पोर्टेड, जिसके अंदर वाली जो है बेसिकली प्लास्टिक है, जिसके से करंट पास भी नहीं करेगा, और इसके मिट्टी और धूल का तो बिल्कुल भी निशान नहीं है। और ये टेप इसलिए वो होता है ना कि टैग की अगर आप लोगों ने तार ऐसे करके लपेट नहीं हो तो उसके ऊपर ऐसे करके लपेट सकते हैं। और ये टेप तो देख सकते हैं फुली नीट क्लीन और फुली चिपक बहुत है, मेरे लग रहा था मेरे हाथ ही कभी ज़िंदगी में कभी नहीं खुलेंगे, लेकिन फिर भी अब इसको उतार देते हैं। और इसके अगर तार पे देखें कितनी स्ट्रेट है बगैर किसी कर्व के, और यहाँ पे जो अगर आप लोग कोई मिट्टी नज़र आ रही हो तो मिट्टी नहीं है, वो उसकी कंपनी का टैग है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रीन टैग उन्होंने बनाए हुए हैं। उसके बाद ये ब्लैक तार है, इसके ऊपर पता नहीं ब्राउन का क्यों कॉम्बो आया हुआ है, क्योंकि डस्ट तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जैसा कि कितनी प्यारी तार है ज़िगज़ैग हुई हुई, और यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं कर्व करते हुए ये देखें, लोगों की तार ऐसे आती है लेकिन इस कीबोर्ड की ऐसे आती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे आप लोग कर लीजिए इग्नोर। और इसके नीचे देखिए यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे कुछ टैग्स जिसे हम उतारने की कोशिश करते हैं, अगर उतर गया तो ठीक है, आई डोंट थिंक ये उतरेगा। ओके इसे आपने उतार देना कि सबसे पहले कि पता नहीं चले कि आप लोग लंडे गए थे, जो हो गया हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है DEL, डल बच्चा डल, ठीक है डल लाइए, फुल किसी भी काम करिए डल लाइए, ठीक है कीबोर्ड। उसके बाद आते हैं अब इसकी कीबोर्ड पे, इसका की कंपनी का तो आप लोग साइन देख सकते हैं जिसका है डल, फुल डल है ये, ठीक है। और अब यहाँ पे इसकी आप शेप देख सकते हैं गेमिंग कीबोर्ड की तरह, कितनी ऊपर नीचे पहाड़ियों की तरह बिल्कुल सीधी, मतलब कि ठीक ठाक इन्होंने बना रखी है। और इसके नीचे जो यहाँ पे होते हैं वो क्लिप्स है, जिससे आप लोग कीबोर्ड की ऐसे थोड़ी सी आगे से आपको ऊंचाई हो जाती है, वो बिल्कुल भी काम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो टेपें हैं वो आप लोगों का काम कर देंगी। और ये टेपें हैं, ये एक्स्ट्रा आप लोगों की पट्टियाँ दे सकती हैं, अगर आप लोगों का कीबोर्ड का कहीं से भी टांका वगैरह लगना हो तो आप लोग लगा सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी यहाँ पे सफाई पे, सफाई तो आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ ना, बहुत ही अमेज़ोन से जो
आई मीन लंदन से जो अमेजोन जो लंदन लंडे जो मंगवाया हमने वहाँ से बहुत ही नीट एंड क्लीन आएगा। मिट्टी का तो बिल्कुल भी निशान ही नहीं है। बाकी मेरे हाथ तो हाथ लगाने के बाद और ही साफ़ होते जा रहे हैं। दिल तो कह रहा है हाथ वगैरह अगर धोने हो बस इसके ऊपर बंदा अपना हाथ मल ले, और बाकी हाथ मलने के बाद काफ़ी और ज़्यादा खूबसूरती आ गई। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि गेमिंग कीबोर्ड के अंदर जैसे कि आप लोग देखते हैं कि गेमिंग से ना मतलब कि नॉर्मल कीबोर्ड से ज़्यादा बटन होते हैं, और इसके अंदर तो आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बटन इसके अंदर आप लोगों को दिए गए हैं। बस ये जो कुछ नहीं दिए गए इनका बहुत ही मैं नहीं बता सकता कैसा इनकी कॉम्प्लिकेटेड कीबोर्ड है। ये बहुत ही कीमती और बहुत ही मतलब कि ना कीमती कीबोर्ड है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। इसके अंदर आप लोगों को एक लेनी पड़ेगी एक पिन जो सरों में लगाते हैं ना किसी भी अपने वो घर में पड़ी हो तो उसके अंदर आप ले लीजिए। अगर आप लोग गेम खेल रहे हो तो ऐसे ऐसे करके अंदर सुई ले ली, सॉरी मैं सुई लाना भूल गया वरना मैं आप लोगों को इस वक्त लाइव करके दिखा देता। उसके बाद ये टेप भी आप लोगों को नज़र आएगी, ये भी कोई मामूली नहीं है। अगर हम इस टेप को उतारेंगे ये कीबोर्ड ऐसे खुल के एक चीज़ उधर जाएगी और एक चीज़ उधर, इसीलिए इसको कभी भी ना उतारिएगा। This big brain. और फिर यहाँ हम इसकी बात कर लेते हैं और कुछ सफाई की तो सब कुछ बात हो चुकी है, बाकी इसके यहाँ पे टैक्स कुछ पेज वगैरह के कसे हुए हैं। अगर आप लोगों का कोई पेज ढीला हो जाए तो उसको दोबारा प्लास और हथौड़ी का इस्तेमाल करते कर दीजिएगा। और बाकी ये देखिए सुइयों का तो कमाल बहुत ही कमाल का, जैसे अगर आपके सामने कोई बंदा है शूटिंग के लिए पहले आपको ऐसे ऐसे करना पड़ता था लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सुइयाँ लें और ऐसे ऐसे करते रहें, ये बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही आसानी आप लोगों के लिए हो जाएगी। और बाकी यहाँ पे भी यहाँ पे ऊपर का एरो होना चाहिए था, यहाँ पे नीचे का, यहाँ पे दाएं का, यहाँ बाएं का, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट का और यहाँ पे है वी का। ओहो यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कीबोर्ड है। और यहाँ पे इसलिए तो यहाँ पे कुछ और कीबोर्ड मतलब नॉर्मल कीबोर्ड में तो यहाँ पे ऊपर नीचे वाले साइन ही होते हैं। और फिर यहाँ पे लाइटनिंग की इसकी बात कर रहे थे तो लाइटिंग भाई इतनी है ना कि आप लोग भाई सो नहीं सकते। अभी मैं असल में आया हूँ अपनी छत पे कि मैं नीचे नहीं दिखा सकता, नीचे लाइट चले गई थी। यू नो ये दिस इज़ आवर लंदन है, लंदन में लाइट जाती रहती है, लंदन इज़ सो अमेरिकन वगैरह वगैरह एनी थिंग, इसको छोड़ देते हैं। और बाकी जब लाइट आएगी फिर आप अगर इसे आप यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी, आप लोगों का दिल करेगा पास इसी कर लीजिए। अगर आप लोगों के घर लाइट चल जाए और आप लोगों के पास सिर्फ एक स्विच हो जिसके अंदर बिजली आ रही हो, बस इसके पीछे चार्जर लगाइएगा, चार्जर को अंदर भाई ये ऐसे चमकने लगेगा जैसे भाई क्या बोलूँ द बिगेस्ट बल्ब लाइट इन दी वर्ल्ड बन जाएगा ये। और बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा लाइट देखने का। लाइटनिंग तो ऐसी होगी इसके रंग बिरंगी लाइटें भी आपको मिल जाती हैं, ख़ासतौर पे इसके अंदर तीन कॉम्प्लिकेटेड लाइट्स हैं। यू नो इसके अंदर डस्ट बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से हो गया। और इसके अंदर तीन कॉम्प्लिकेटेड लाइट्स हैं, एक है यहाँ पे एक बटन था जो कि यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, इसे स्क्रॉल होने चाहिए थे यहाँ पे लेकिन ये यहाँ पे है। और ये जब यहाँ पे होता है जब हम इसको ऐसे करके दबाते हैं तो पहली लाइट यहाँ से जल जाती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड येलो रंग की, उससे लॉक का साइन आप लोगों को मिल जाता है बहुत ही। और दूसरी लाइट है ये नंबर लॉक, अगर हमें कोई भी लॉक चाहिए हो तो आप इसको दबाएंगे पूरा कीबोर्ड बंद, क्या बात है घटिया कीबोर्ड वाह। और लास्ट बटन का तो बताता ही चलूँ कैप्स लॉक जो इंग्लिश कीबोर्ड का है, उससे अगर आप दबाएंगे तो ये लाइट भी चल जाएगी। और आप लोग को और लाइटिंग का मजा आप लोग ले सकते हैं बट पूरे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। बाकी क्या रह गया, बाकी दबा के तो आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, दबने में ना होता है कि आराम आराम से दब जाएं, इसे दबाने के लिए ना कभी कभार हो सके होता है हमें आगे नहीं जाना चाहिए तो ये हमें सोचने का मौका देता है कि भाई रुक जा तो उसमें हमारा रुकना अच्छा हो जाता है। इसलिए अगर हम पबजी वगैरह में कुछ खेल रहे हैं और आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए और वो बंदा खुद ही आगे आ जाएगा तो फिर आगे बढ़ना अच्छा नहीं, इसलिए इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी सफाई वगैरह बटन की बात की जाए तो ये सब कुछ ठीक है। और बाकी यहाँ पे टैग वगैरह लग चुके हैं। और आप क्या चाहते हैं, ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो, सॉरी इट इज़ अ फनी वीडियो। तो ओके तो ये बस एक कॉमेडी वीडियो थी, आप लोगों को अगर आप लोग हंसे हों तो सब्सक्राइब का बटन दबा दिएगा ज़रूर। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वैसे अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन पे मार दीजिए रख के जुत्ती, लेकिन मारनी आप लोगों जुत्ती नहीं है माउस के कर्सर के साथ मार ली आप लोगों ने, और सारे बेल आइकन से दबा दिए ताकि आप लोग इसी तरह की फनी रिलेटिव एनी वीडियो यू नो आप लोगों को मिल सके, और उसके बाद आप लोग मज़ा आए आप लोगों को। और अगर आप लोग हंसे होंगे तो भाई कमेंट जरूर करना आप लोगों को कैसा लगा, और एनी थिंग यू जस्ट नो वट यू नो वट आई एम आस्किंग अबाउट आई डोंट नो लेट्स से आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके देन टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।